अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय माइक्रोवेव क्वीन ज़ाहिरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बजट फ्रेंडली कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले मैंने दूध लिया है बाउल में, गरम किया हुआ दूध है 1 लीटर को अभी हम माइक्रोवेव में पका के लेंगे। ये अभी इसको ऊपर से मलई आई हुई है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अभी ऐसा 1 लीटर है तो ये इसका आधा होना चाहिए, तो इतना इसको पकाएंगे हम। और मैं रखती हूँ फ्रेंड्स, अभी ये दूध मैंने अच्छे तरह से पका के लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून इलायची की पाउडर डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून इलायची की पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साइड से जो मलई आई है, ऊपर से जो मलई है, उसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध जैसा आधा हो जाएगा फिर उसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। माइक्रोवेव में पकने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, अभी दूसरी स्टेप है, मैंने 1 कप दूध लिया है और उसमें हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। की पेस्ट बना के रखेंगे हम। कस्टर्ड डालने से ये होता है कि इसे ये जो दूध में डालेंगे हम कस्टर्ड, तो दूध गाढ़ा होने के लिए मदद होगी इसमें और एक अच्छा फ्लेवर भी आता है उसको। तो देखिए अच्छी तरह से मिल गया कस्टर्ड। फ्रेंड्स देखिए, ये आधा हो गया है पूरा, 1 लीटर लिया था हमने तो इसका आधा हो गया अभी, और थोड़ा उसको पकाएंगे और अभी इसमें हम कस्टर्ड मिक्स करेंगे। पहले चारों तरफ से जो मलाई आई है उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने मिक्स करके रखा है 1 कप दूध में, 1 कप दूध में 1 चम्मच कस्टर्ड का लिया है मैंने और उसकी ये पेस्ट बना के रखा है। तो अभी ये गर्म दूध में हम एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से मिक्स करेंगे। तो हिलाना क्यों है, क्यों तो गुठलियाँ नहीं होना चाहिए पूरे दूध में, इसलिए एक हाथ से डालना है और एक हाथ से हिलाते रहना है। देखिए ये पूरा आधा हो गया, अभी जो मलाई है ये वो अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे इसकी। अब ये जो 1 लीटर रखा था उसका आधा हो गया ये, तो इसको हम ठंडा करने रखेंगे। दूसरा बाउल लिया है, उसमें मैंने 1/4 कप शक्कर डाला है और अभी उसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे 50 सेकंड के लिए, तो शक्कर पिघल जाएगी। देखिए जो शक्कर डाली थी मैंने, उसका जो कैरेमल तैयार हो गया, पूरी पिघल गई शक्कर। अभी ये हम दूध में मिक्स करेंगे। जैसा शहद की मक्खी कैसी चिपकती है उस तरह वो चम्मच को चिपकी तो निकलती नहीं जल्दी। फ्रेंड्स देखिए, अभी ये दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया, अच्छा उबले गया। अभी इसको ये जो शक्कर पिघली है इसको हम इसमें डालेंगे। मिक्स करेंगे।
उसको अच्छे से हिलाएंगे और दूध गर्म करना है। जब वो पिघलेगा अंदर जो गाढ़ा हो गया है वो शक्कर जो मैंने डाली है वो, तो उसको पूरा मिक्स करना है, हिलाते रहना है, तो पूरा मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम डालेंगे थोड़ा, थोड़े पिस्ते डालेंगे और ब्रेड क्रम लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, ये डालेंगे इसके अंदर। और इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम ग्लास में डालेंगे। ये पूरा अच्छे से ठंडा हो गया तो फिर वो जब हम ये डिस्पोजल ग्लास है उसमें भरेंगे हम। सब में 2-2 चम्मच डालेंगे मेजरमेंट के हिसाब से, देखिए। अभी डाला है इसमें, अभी हम फॉइल पेपर लगाएंगे। इसको छुरी से छोटा सा कट करेंगे और इसमें हम स्टिक डालेंगे। और ये प्लेट में रखेंगे। दूसरा बाउल लिया हमने, उसको भी फॉइल पेपर लगाएंगे। फॉइल पेपर लगाया, इसको थोड़ा कट छुरी से कट करेंगे और स्टिक डालेंगे इसमें। दूसरा भी लिया, इसको भी फॉइल पेपर लगाएंगे। कट मारेंगे और इसके अंदर स्टिक डालेंगे। और ग्लास में 2 चम्मच डालेंगे फॉइल पेपर लगाएंगे ऊपर से। कट लगाएंगे छुरी से और इसके अंदर स्टिक डालेंगे।
भी फॉइल पेपर लगाएंगे। बेसिक कट लगाएंगे, इसके अंदर स्टिक डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह सब ग्लास में मैंने भर के स्टिक लगा के रखा है। अभी ये फ्रिज में हम 8 से 10 घंटे रखेंगे, तो अभी कल सुबह मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए, ये 10 से 12 घंटे रखेंगे तो अच्छे तरह से सेट हो जाएगा ये। पेपर निकालेंगे, इसको साइड से तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिल्म की तैयारी भी तो फ्रेंड्स देखिए, उसको साइड से घुमा के, छुरी से साइड से घुमाएंगे, फिर आहिस्ता से कप से ग्लास से बाहर निकालेंगे। तो देखिए कैसे ज़बरदस्त बनी है, एकदम अच्छी तरह से मोल्ड हो गई है। तो अभी एक एक करके सब निकालेंगे हम। देखिए इसमें भी हम इंटरैक्ट कर डालेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए
ड्राई फ्रूट से गार्निश, ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ऐसी खतरनाक जबरदस्त बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुल्फी बनके तैयार हो गई। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। माइक्रोवेव क्वीन ज़ाहिरा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।